ताजनगरी आगरा में आगरा कॉलेज आगरा में चल रही रार अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में आगरा कॉलेज के प्रधानाचार्य सीके गौतम ने प्रेस वार्ता कर पूर्व प्रधानाचार्य अनुराग शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। फुफुक्ता अध्यक्ष और नागरिक समाज द्वारा अनुराग शुक्ला के खिलाफ गंभीर शिकायत की गई थी। इसके बाद आगरा कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ जांच समिति गठित की गई थी, जिससे सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रधानाचार्य सी के गौतम ने पूर्व प्रधानाचार्य अनुराग शुक्ला पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग शुक्ला द्वारा कहे गए वक्तव्य उच्च शिक्षा मंत्री के बारे में कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व प्रधानाचार्य अनुराग शुक्ला अपने ऊपर लगे आरोपों और जांच को दूसरी दिशा देने के उद्देश्य से यह आरोप लगा रहे हैं। कार्यभार प्राचार्य का मुझे चार्ज दिया गया, उससे अनलगन मेरे बारे में बयानबाजी करना कि उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय के गुर्गे सी के गौतम से मुझे जान माल का खतरा है। मैंने ये बताया हूँ कि मैंने कुछ भी, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं सही चेक कर लीजिए, उनके बारे में कभी एक अपशब्द किसी से नहीं बोला है मैंने, ना कोई जान माल को खतरा है। जब जान माल का खतरा था तो पुलिस में जाते, वो ऊपर लेटर क्यों लिख रहे हैं? और माननीय मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए हैं वो सर्विस नियमावली का घोर उल्लंघन है। कोई भी छोटा कर्मचारी बड़े पर नहीं लगा सकता है, वो तो मंत्री जी की तरिया लिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। मंत्री सस्पेंड करके 2 घंटे के अंदर जेल भेज सकते हैं उन्हें, उन्होंने अलग आरोप लगाए और प्राचा निवास में अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल से जारी जिसका पे लड़कियां कर रही हैं, फर्जी स्टाफ क्लब को एनओसी देकर जो प्रमाण पत्र जारी किया उसे अब भी जस्टिफाई कर रहे हैं, और अपनी सर्विस बुक में जो उन्होंने एंट्री कर रखी है गलत ढंग से, यूजी का एक्सपीरियंस है और 19 साल का पीजी का एक्सपीरियंस दिखा दिया है, और जो इन्होंने वित्तीय अनियमितताएँ की हैं, साइकिल स्टैंड में 540 रुपये हर छात्र से ले रहे हैं चाहे वो साइकिल ला रहा है नहीं ला रहा है, फर्जी डिमांड पर सामान मंगा रहे हैं फर्जी डिमांड पर, बिना टेंडर के करोड़ों की खरीद फरोख कर ली है, करोड़ों के बड़े उपकरण बिना ई टेंडर के बिना प्रॉपर प्रक्रिया खरीद कर लिए हैं, 61 लाख का कैश विड्रॉल BRR अकाउंट से शिक्षकों के नाम एडवांस के रूप में उन्होंने हस्ताक्षरित किया है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जांच का विषय है, करोड़ों में ढाई के करोड़ों में 2 साल में उन्होंने जो घपला किया है वो जाँच में 2-4 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। इनके हाथ से किए गए फर्जबोली लग रहा है कि फर्जीवाड़ा करने के लिए कूट दस्तावेज बनाने के लिए ही अंडा शुक्ला पैदा हुए जाने जाते हैं पूरे यूपी में। बिल्कुल जांच में हमने ढूंढी है, ये हमने जांच रिपोर्ट कल हमने जांच रिपोर्ट भेज दी प्रमुख सचिव को, डायरेक्टर साहब को, माननीय मंडल आयुक्त को, उसमें ये जांच में हमने पाया है, ये फैक्ट्स हैं, इनके प्रूफ हैं हमारे पास, हमने आरोप नहीं लगा रहे। जांच में चल रहा है अभी, पुष्टि तो है ही है, वो तो आप अकाउंट निकालिए साइकिल स्टैंड वाला, आपको पता चलेगा कई लाख रुपए साल कैला कितने लाख रुपए महीने आ रहा है। गलत लगा रहे हैं, आगरा कॉलेज के प्राचार्य को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, आयोग से नियुक्ति होती है। सेल्फ फाइनेंस के कोर्स 20,000 रुपये महीने में कोई करने नहीं आएगा, और जिस नियुक्ति पे मैंने दिखवाया, जिस नियुक्ति पे मंत्री जी के बेटे ने अप्लाई किया था वहाँ इंटरव्यू देने ही नहीं आए, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। वो हाईली क्वालिफाइड है, मैंने पता किया तो उसका पता चला लड़का PhD नेट है, झूठे आरोप लगा रहे हैं वो, वो केवल साधु अपने आप को संत दिखाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, मैं भर्सना करता हूँ इसकी। और आगरा कॉलेज प्राचार्य पास शिक्षक नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस में कोई आएगा नहीं, आउटसोर्सिंग में 40 लोग रखे गए, यस बहुत बड़ा घोटाला भूल रहा हूँ मैं, 40 लोग रखे गए, तथ्य जाँच में आए, भेजिए जाँच में प्रमुख सचिव को, मंडल आयुक्त को, उसमें 25 लोग अपने रिश्तेदार बुला के रखे गए, 15,000 रुपये महीना, 16,000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, 8,000 पेमेंट दिया जा रहा है उनको, और कोई कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, चारों तरफ रिकॉर्ड दिखवाया मैंने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जिस तरह से हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर आए हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिल रही तो ये कंटेंप्ट में श्रेणी आता है? बिल्कुल, ये तो हाई कोर्ट निर्णय करेगा, बुनियाद करेंगे कंटेंप्ट लोग करेंगे। अब मैं तो बता तो रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूँ, जो भी शासन का प्रशासन का मैनेजमेंट का आदेश होगा मुझे सरोधार्य स्वीकार है, वो वैसा करूंगा। टीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लबानिया की रिपोर्ट।